एक ये वाली है और एक ये वाली है। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड ये अपनी Z900, वो अपनी पल्सर N250। और आज हम जा रहे हैं करोल बाग। एक्चुअली क्या है कि इसमें मेरे को कुछ स्टिकर वगैरह लगवाने हैं अपने चैनल के, और उसमें विंडशील्ड लगवानी है, तो उसका कुछ मॉडिफिकेशन होगा क्योंकि आज संडे है। मैंने हर्ष भाई को बुला लिया था, हर्ष भाई सामने खड़े हुए हैं, अपनी इन्होंने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी कर दी है, मेरी बाइक लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले डीबी क्लियर लगा लेते हैं क्योंकि आज संडे है और सब ना फुर्सत में खड़े होंगे जितने भी पुलिस वाले। हाँ, क्योंकि महीने का बजट भी तो पूरा करना है यार, ऑलरेडी आधा महीना निकलने वाला है। ठीक है, तो ये हमने लगाया, हमने डीबी क्लियर लगा दिया है, अब आवाज़ काफ़ी कम हो जाएगी। चलते हैं फटाफट करोल बाग। डीबी क्लियर लगा के बड़ा मज़ा आ रहा है। पहले क्या था कि अपनी आवाज़ सुनने में ना बड़ा इशू होता था, अपनी खुद की आवाज़ नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा साउंड होती थी। अब ये बड़ी स्मूथ सी और बड़ी मज़ेदार साउंड हो गई है, और चलाने में मज़ा भी आ रहा है। इतना ज़्यादा शोर भी नहीं है, पटाखे भी हैं लेकिन पटाखे थोड़े कम हो गए। अच्छा, आज मैंने माइक की पोजीशन भी चेंज करी है दोबारा से, जो लास्ट वाले व्लॉग में करी थी उससे दोबारा एक चेंज करी है माइक की पोजीशन। तो देखते हैं कि आज कितनी साउंड बाहर की कैप्चर करता है। मेरे साथ हमेशा यही इशू होता है कि बाहर की साउंड कैप्चर करता है। अब तो इससे महंगा तो माइक भी नहीं आता। रोड का माइक लगाया हुआ है, 7000 कुछ का माइक आया था, और GoPro 10 है। अब घर जाके पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। और आज मैंने सुपर व्यू करा हुआ है। पहले क्या होता था कि मेरे को ढंग से ना मेरा कंसोल नहीं दिखता था वीडियो के अंदर, जो मैंने कैप्चर करके देखे हैं वीडियो जब मैं एडिट कर रहा था। तो अब मेरे को लग रहा है कि अब पूरा कंसोल भी दिखेगा, पूरा हैंडल दिखेगा और आगे का भी दिखेगा, तो जो कि बेटर है, अब मज़ा आएगा। आगे स्पीड कैम लगे हुए हैं, 46 पे बाइक रखी हुई है, 50 की स्पीड है, स्पीड लिमिट है जो 50 की है। अरे यार, सुपर बाइक 50 पे लेके जाना ना बड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि पत्थर रख लिया दिल के ऊपर, इससे बड़ा पत्थर ना रख पाएंगे हम। लेकिन क्या करें, बचना पड़ता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, फॉलो तो करने पड़ेंगे। विंडशील्ड निकलो, विंडशील्ड। सो गाइस, अब देखते हैं कौन कौन सी विंडशील्ड है अपने पास ऑप्शन में। ज़्यादा बढ़िया, इससे छोटी वाली, इससे छोटी वाली नहीं यार, ये वाली नहीं थी, एक और थी, अंदर थी। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी कर्व थी। एक तो ये है, अभी देखते हैं। नहीं, चल के गाइस, मैं दो विंडशील्ड लेके आया हूँ अभी, और अभी चेक करते हैं कि कौन सी आएगी। एक ये वाली है और एक ये वाली है। यार हर्ष, ये बिल्कुल सेट आएगी है ना, ये वाली। सो गाइज, ये वाली समझ आई है, ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बहुत सही लगेगी विंडशील्ड लगने के बाद। अब चलते हैं भैया के पास, पैसे वैसे दे के आते हैं इन्हें। मैंने विंडशील्ड तो ले ली है, लेकिन विंडशील्ड फिट करने का जो काम है वो वहाँ पे नहीं हो पाया, क्योंकि ऑलरेडी आज संडे है, रश बहुत ज़्यादा है, तो फैब्रिकेटर कोई फ्री है ही नहीं। अब हम जा रहे हैं पंजाबी बाग टॉप रेसिंग स्टोर। देखो, अगर वहाँ पे टाइम मिल जाता है, फ्री हैं वो, तो काम बन जाएगा, नहीं तो कहीं और किसी और दिन देखेंगे। अभी ज़रा एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि उनके पास लग जाएगी या नहीं लगेगी, और आज टाइम है या नहीं है। वैसे तो लगभग आधे घंटे का काम है, लेकिन देखो क्या होता है। सो गाइज, वी आर एट टॉप रेसिंग स्टोर नाउ। एंड ये देखो यहाँ पे ADV, कुछ कस्टम हो रही है, और ये देखो कारमाज रिटर्न टॉप रेसिंग स्टोर। और देख रहे हो क्या कस्टम करी है, कितना मज़ा आएगा इसे चलाते हुए। वो तो अपनी पल्सर खड़ी, ये अपनी 900। अभी हम आ गए हैं स्टोर, ये अपनी बाइक खड़ी हुई है, और अंदर अपनी N250 खड़ी हुई है पल्सर। तो चलो, काम शुरू हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है।
ये देखो, सो ये बाइक लग गई है अपनी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ब्रैकेट निकालना है, भाई ने काम करना शुरू कर दिया है। तो नंबर प्लेट ये टेम्परेरी नंबर साइड कर दिया क्योंकि अब तो ये लग ही जाएगा, है ना। जैसे जैसे काम होएगा वैसे वैसे मैं दिखाता रहूँगा। ये देखो ये ऐसी लगेगी, लगने के बाद अब देख लो क्या लुक आएगी, जबरदस्त मजा आ जाएगा, है ना। और ये फ्रंट से रहेगी ऐसे, और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस ना छूटे, फिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं। ये देखो नट बोल्ट इसमें बेल्ट करने, जिससे कि बाद में जब स्क्रू लगाएं या निकालें तो वो नट बोल्ट इधर उधर ना गिर जाए, उसके लिए बिल्कुल सेट हो जाएगा और ज़्यादा सही हो जाएगा। ये इसका ये वाला ब्रैकेट इसका बन गया है, अब इसकी जो आगे ऊपर तक पट्टी आनी है वहाँ से और यहाँ तक वो बन रही है, वो बन रही है। और एक चीज़ मेरे को ज़रा बताओ कि भाई हो पहचान लिया हुआ इसे, इसका यहाँ पर क्या काम है। तो वैसे ये मीटर हटेगा और मीटर हटने के बाद इस पर वेल्डिंग होगी, तो अभी हटा रहे हैं और हटाने के बाद ही करेंगे जो भी करना है अभी इस पर। गाइस नंबर प्लेट का काम, जो पीछे वाली नंबर प्लेट है वो लग चुकी है, फ्रंट पे विंडशील्ड ऑलमोस्ट लग चुकी है। देखो लुक देख रहे हो गाइस, क्या जबरदस्त लुक आ रही है, ये देखो ये लुक आ रही है, वाह मजा आ रहा है देख के। हाँ अभी इस पे थोड़ा सा स्क्रू, ये तो कभी भी हम पेंट कभी भी पेंट मार सकते हैं। वैसे इस पे मैं दूसरे वो गोटी वाले लगाने की सोच रहा हूँ, एलन की वाले स्टील के, स्टील क्रोम फिनिशिंग वाले। और ये देखो बिल्कुल ज़्यादा गैप भी नहीं है, ये देखो उंगली नहीं जा रही है, उंगली नहीं जा रही है अंदर, उससे ज़्यादा नहीं जा रही है, और कलर प्रॉपर मैच कर रहा है। ये देखो ये यहाँ से गैप नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो गाइस बाइक का अपना मॉडिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या कराया है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये विंडशील्ड लगवा ली, ठीक है, ये विंडशील्ड लग गई है प्रॉपर फिट के साथ, प्रॉपर फिट के साथ विंडशील्ड लग गई, ये ब्रैकेट और नंबर प्लेट मैंने आगे करा ली, जबकि नंबर प्लेट का ऑप्शन यहाँ पर होता है, विंडशील्ड के ऊपर लगती तो बहुत बुरी लगती, मैंने नीचे सेट करवा दिया, ये काम करवा दिया है, ठीक है। और ये पीछे वाली नंबर प्लेट मैंने यहाँ लगवा दी है, ये सारा सेट हो गया है। अब ये अपनी बाइक की लुक है, ये लुक है बाइक की, ठीक है, कितनी जबरदस्त लग रही है। अब ये जो पोर्शन है ना, ये अलग ही लग रहा है, मज़ा आ गया इसे देख के। तो ये था आज का काम बाइक का जो मैंने कराया है। और ये अपनी खड़ी है Z900, वो हर्ष भाई,
एक और 900 UK07 आई है कुछ काम के लिए। अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। मैंने अपना V6 भी कनेक्ट कर लिया है हर्ष भाई के साथ। आवाज़ बढ़ा लो उधर से साइड से। ओके जी हाँ चलो सो ये जो 900 आई है इसमें एग्जॉक्स लगना है उसके लिए आई है, और शायद कोई शायद फिल्टर लग रहा है या फिर और कुछ लग रहा है। चलिए हम चलते हैं। चलो हर्ष भाई। हाँ भाई मज़ा थोड़ा सा, वाइजर लग के काफ़ी सही हो गया, रिफ्लेक्शन आ रहा है और वो मीटर भी अब ना पूरा फील दे रहा है। पैडॉक पड़ा है तो यार क्योंकि चैन लीव वगैरह करनी होती है ना, हाँ दिक्कत होती ही है। सो गाइस हम पैडॉक देखने के लिए आए हैं, पैडॉक देखने के लिए आए हैं। अगर पैडॉक समझ आएगा तो पैडॉक को भी ले चलेंगे। इसे सेट करके दिखाओ। सो गाइज मेरे को पैडॉक की ज़रूरत थी तो पैडॉक मैंने वहाँ से ले लिया है अभिषेक भाई से, टॉप रेसिंग स्टोर। तो पैडॉक मेरे को सही लगा कि वो आगे का भी मतलब फ्रंट वाला पैडॉक भी बन जाता है और रियर वाला भी बन जाता है। मैंने ले लिया जो कि आगे आप देख रहे हो कि पल्सर पे मैंने लगाया हुआ है अभी फ़िलहाल घर पे जाके, और इसे देख लेंगे अनबॉक्स कर लेंगे एक दिन शायद कल परसों में टाइम निकाल के। तो इस गाइस ये मैंने आज की एक्चुअल में जो बजाज पल्सर के ऊपर जो मेरे को मॉडिफिकेशन टाइप थोड़ा बहुत कराना था वो मैंने कराया है। ज़्यादा मैं इसे नहीं छिड़वाऊँगा अभी, बस इसमें दो काम करने हैं मेरे को अभी जो करने हैं 2-4-5 दिन में या हफ्ते भर में। फर्स्ट इस पर मेरे को लगाना है, सबसे पहले इसकी करानी है मैंने सर्विस, क्योंकि इसके 550 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं तो फर्स्ट सर्विस ड्यू हो गई है, वो सर्विस करानी है। सर्विस के बाद मेरे को इस पर हैजार्ड लगवाने और उसके बाद फॉग लैंप लगवाने हैं। फॉग लाइट मेरे पास पड़ी हुई होगी स्पेयर में HJC की, तो वो मैंने लगवानी है। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, ये हमने बाइक पर मॉडिफिकेशन कराई है पल्सर पर। यहाँ लगाओ ना, यहाँ लगाओ, आ जाओ। किसका? अरे वो चार्ज हो गया भाई, FZ वाला चार्ज हो गया वो। हैजार्ड ऑन करिए जिससे दिख जाऊं। आगे रेड लाइट क्रॉस, आ जाओ। बस आ गई। ले जाऊं? मतलब वो चेक कर रहे हो ना कि इसकी रेंज ठीक है? आ जाओ तुम। हाँ रोज गार्डन क्रॉस होने वाला।
आ रही है ना ये, हाँ ये है, मैं पहुंच गया हूँ IIT के मेट्रो स्टेशन। हाँ चलने दो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें क्या अच्छा लगा और क्या इम्प्रूव करने वाला था, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। राइड सेफ, टेक केयर, गुड बाय।